इस वक्त हमारे साथ हैं कर्नाटक मांड्या से इंडिपेंडेंट सांसद, जो फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, सुमनलता अमरीश, और बात करेंगे आपसे इस नजरिए से क्योंकि एसटी हसन ने एक बयान दिया है, समाजवादी पार्टी सांसद हैं, उन्होंने विवाद छेड़ दिया है और जिस तरीके से बयान दिया है, तवायफ तक शब्द इस्तेमाल किया है, महिलाओं को लेकर कैसे टिप्पणी देखते हैं आप? आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक मेंबर ऑफ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, हाँ, तो उन्होंने ऐसा कहा. इट्स नॉट राइट, इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. एंड आई कंडेम इट, टोटली. क्योंकि जयप्रदा जी भी संसद रही हैं, वो तो सीनियर एक्ट्रेस भी हैं और शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एंड डेफिनेटली किसी का हक नहीं बनता कि ऐसे ऐसे बातों का इस्तेमाल करें. तो आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज. और अगर देखें आप जिस तरीके से हाल के दिनों में अलग अलग टिप्पणियां आई हैं महिलाओं को लेकर, एक तरफ संसद में चुनकर आती हैं 78 महिलाएं इस बार आई हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से बयान होते हैं, तो क्या आपको लगता है अगर तुलना करें इसको देखें तो आप? आई थिंक उनका माइंडसेट जो है वो बहुत पुराने जमाने के स्टक थे कि वो उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि महिला भी उनके साथ साथ काम करे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने या कुछ बने सोसाइटी में. आई थिंक दे आर नॉट, सम मेन आर नॉट एबल टू स्टिल डाइजेस्ट इट. तो दे फील शायद इनसेक्योर लग रहा होगा उनको, इसीलिए ऐसे ऐसे बातें वो करते हैं. एक दूसरा मुद्दा है, आप ही के फील्ड से जुड़ा हुआ है, आपने फिल्मों में काम किया है. ज़ायरा वसीम ने धर्म का आधार लेते हुए कहा कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, उनका धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता, उन्होंने इस बात को समझाया. अच्छा, आई थिंक उनका पर्सनल चॉइस है और हमें रिस्पेक्ट करना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सैड भी लग रहा है कि उनको ऐसा लगा कि क्योंकि फिल्म वर्ल्ड एक जगह है जहां हम रिलीजन और कम्युनिटी और ये इन सब बातों से हम थोड़ा दूर ही रहते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगा तो आई थिंक इट्स मिसगाइडेड. बट ठीक है, उनका चॉइस है. ये भी कहा जा रहा है उनको फिल्में नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने धन की आड़ ली है. आई डोंट नो रियली अबाउट दैट. धन्यवाद बात करने के लिए. और ये जो सुमनलता अमरीश हैं वो इस पूरे मुद्दे पर बात रख रही थी, दो मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, एसटी हसन का बयान हो विवादित जो महिलाओं को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की उसके बाद वो निशाने पर आ गए, दूसरी तरफ ज़ायरा वसीम ने धर्म का आधार बनाते हुए फिल्मों से किनारा कर लिया, लिहाजा इन पर बहस छिड़ी हुई है और इसी पर अपनी राय रख रही थी सुमनलता अमरीश. कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली.